क्या क्या चैलेंजेज है और उसके चैलेंजेज को आप कैसे रिजल्व करने का प्रयास करें, अगर दो तीन चैलेंजेस गिना सकते हो तो बताए। सर सबसे पहले है कि महिलाएं हमारी महिलाएं घर बहुत घर से बाहर निकलना नहीं चाहती। इससे क्या होता है कि बहुत सारी सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई उनकी उनके महिला के सशक्तिकरण के लिए तो उनका फ़ायदा उनसे मिल नहीं पाता है। तो हम चाहते हैं कि उनसे अपने स्तर से ऐसे उपाय करेंगे कि महिलाओं से हमारा घर के मुखिया जो है महिला के पेरेंट्स उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए और उनको बता पाएँ कि जो खुद से वो जो नहीं कर फैसिलिटी प्रोवाइड करा पा रहा खुद को और अपने बच्चों को नहीं करा पा रही है। सरकार अगर हमारी बातों को मानती है ऐसे अफसर तो बहुत सारी परेशानियों में जो आप जो भी चैलेंजेस बताते हैं तो में उसको बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपके इंटरप्रिटेशन से मेनी क्वेश्चन आर ओरिजिनेंगे, अनेक प्रश्न बनने लगे और आपको इंटरव्यू देकर उसी में क्या करेगा तो आप फ्रिक्वेंटली यू रिकॉल द चैलेंजेस 1 2 3 ऐसे और फिर ईच एंड एवरी वन जस्ट यू टेक एट द लेवल ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे करके प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। अंदर में क्वेश्चंस भी होगा और रिलेटेड क्वेश्चंस, लंबा आंसर नहीं दे। एम डी तनवीर आलम जी, सपोज किसी आपको सीट को बढ़ा दिया जाता है तो आपको ब्लॉक मिल जाता है, आपका जो है आपके एस पी से जो आपकी स्टूडेंट या पुलिस किसी किसी विषय को लेकर विवाद हो जाता है तो कुछ आपको बोलते हैं लेकिन आपको लगता है कि ठीक नहीं है, लीगल नहीं है तो अपना कर देते हैं, तो उसका वो खुन्नस निकालने के लिए वो क्या करते हैं आपके पापा को अगर के जेल में बंद कर देते हैं, लॉकअप में बंद कर देते हैं, आपके थाना में बंद कर देते हैं और वो बोल देते हैं कि वो छोड़ना नहीं। तो वैसे समय में आपके सामने क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है अपने पापा को, सबसे पहले सर हम अपना जो स्टैंड है इसकी क्या सर सामने रखते हैं और जैसे एस पी साहब जैसे भी उन पर जो एलिगेशन लगाएंगे वो बाय प्रोसेस वो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू आएगा। जिला जो आपको फ़ोन करते हैं कि ये मेरा फेवरेट आदमी है इनको तो आप फेवर कर देंगे लेकिन आप हॉनेस्ट हैं और आप फेवर नहीं कर रहे हैं तो उससे वो नाराज हो जाते हैं और आपको प्रॉपर को रेस्ट करा के कपड़े बंद करवा देते हैं, तो आपके सामने क्या रेमेडी है उसको अगर वो अरेंज करने में कैसे आप